इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO द्वारा बनाए गए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में, जहां आज उड़ीसा कोस्ट से DRDO और आर्मी द्वारा बैक टू बैक 6 QRSAM मिसाइल की टेस्ट फायरिंग कंडक्ट की गई थी और ये 6 के 6 फायरिंग सक्सेसफुल रही है। ये ट्रायल एक इवैल्यूएशन ट्रायल थी जहां यूजर यानी कि इंडियन आर्मी प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस को चेक कर रही थी और इस इवैल्यूएशन ट्रायल में QRSAM ने अपना 100% दिया है। अब क्योंकि ये एक यूजर ट्रायल थी तो अब QRSAM सीधे अपने प्रोडक्शन में जाएगा, लेकिन इसके ऊपर वर्क BDL द्वारा ऑलरेडी बैकड्रॉप में किया जा रहा था। अगर हम QRSAM के फीचर्स की बात करें तो QRSAM को इंडियन आर्मी के मूविंग आर्मर्ड कॉलम को 360 डिग्री कवरेज के साथ प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है और QRSAM के इंडियन आर्मी में शामिल होने के बाद इंडियन आर्मी की मूविंग आर्मर्ड कॉलम के पास ऐसी कैपेबिलिटीज होगी जिसके कारण एनिमीज के जो क्लोज एयर सपोर्ट वाले फाइटर जेट, लो फ्लाइंग अटैक हेलीकॉप्टर और मीडियम एल्टीट्यूड ड्रोन है वो इजिली टारगेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसे एक वॉर के सिनेरियो के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो किसी भी वॉर के टाइम पे जब आर्मी की आर्मर्ड कॉलम एनिमी एरिया की ओर मूव कर रही होती है तो एनिमी के लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स और मीडियम एल्टीट्यूड ड्रोन में लगे ATGM ग्राउंड पे चल रहे आर्मर्ड कॉलम को ईजिली अपना टारगेट बना सकते हैं। लेकिन आर्मर्ड फॉर्मेशन जब एक क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल की सिर्फ एक बैटरी से इक्विप्ड हो तो एनिमी के इस थ्रेट को पूर्ण रूप से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। और क्योंकि हम दो ऐसी पड़ोसी से घिरे हैं जो स्मॉल स्केल वॉरफेयर के लिए थोड़ा ज्यादा ही उत्सुक रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस तरीके की कैपेबिलिटीज इंडियन आर्मी को फ्रीली एनिमी के लोकेशन में घुसकर अटैक करने की कैपेबिलिटीज देती है। QRSAM को इंडियन आर्मी द्वारा 2020 में ही अपने बेरे में इंडक्ट कर लिया गया था, लेकिन इसका पूर्ण इवैल्यूएशन ट्रायल अभी बाकी था जो अब जाके कंप्लीट हो चुका है। QRSAM के पास अपना फुली ऑटोमेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है और ये 2 4 वोल्ट रडार सिस्टम के साथ लैस है, जिसमें से एक एक्टिव एरे बैटरी सर्विलांस रडार है और दूसरा एक्टिव एरे बैटरी मल्टीफंक्शनल रडार है। इसके अलावा इसमें लगा लेजर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज ये इंश्योर करता है कि इसके मिसाइल को जैम न किया जा सके। QRSAM की एक्यूरेसी 90-95% की है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 4.7 मैक की है। रेंज की बात करें तो इसकी रेंज मिनिमम 5 किलोमीटर और मैक्सिमम 30 किलोमीटर तक की है, वहीं फ्लाइट एल्टीट्यूड 30 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक की है। QRSAM फायरिंग के बाद मिड कोर्स में अपना इनिशियल नेविगेशन सिस्टम का यूज करता है और टर्मिनल फेज में एक्टिव रडार होमिंग का यूज करता है जिससे कि टारगेट एस्केप ना हो सके। ये एक बेहद ही कॉम्पैक्ट और हाईली मोबाइल सिस्टम है जिसे 8x8 ट्रक पे माउंट किया गया है और ये प्लेन, डेजर्ट और सेमी डेजर्ट वाले एरिया में बिना किसी प्रॉब्लम के इजीली ऑपरेट होने में सक्षम है। QRSAM एक साथ 6-12 टारगेट को एंगेज कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर के साथ आता है जो कि एक बेहद ही डेडली कॉम्बिनेशन बनाता है। वहीं अगर हम QRSAM के एक बैटरी की बात करें तो इसमें 2 4 वोल्ट रडार होता है जो कि सर्विलांस के साथ साथ फायर कंट्रोल का भी काम करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एक्स बैंड का रडार 80 किलोमीटर दूर किसी भी 2 मीटर स्क्वायर वाले टारगेट को इजीली पकड़ सकता है। 2 4 वोल्ट मल्टीफंक्शनल रडार और मोबाइल फंक्शन लॉन्चर व्हीकल मिलकर एक कॉम्बैट ग्रुप का फॉर्म करता है और एक बैटरी के अंदर ऐसे 4 ग्रुप होते हैं। वहीं एक लॉन्चर में 6 मिसाइल होते हैं, तो मतलब कि एक बैटरीज के अंदर 24-80 मिसाइल रेडी टू फायर मोड पे हमेशा रेडी रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सुझाव या सवाल है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे डिफेंस से रिलेटेड हर अपडेट आप तक पहुँचता रहे। टिल देन, जय हिंद।